दिया है, बैटमैन एक्वेट हो गया है, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट। और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को बच्ची को मारा गया, ये केस 303 का है। अब सीबीआई के पास इवन अबैटमेंट की कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो यू नो कोर्ट क्या करती है, रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं। अगर वो एविडेंस उसके देते तो वो चार्ज उनको पेश करना होगा। आपने 10 साल तक इतना संघर्ष किया और फैसला इस तरह का आया कि भारत खड़ी है, ये शांति नहीं। लेकिन इस तरह का फैसला है, कोर्ट ने कहा कि में आप बड़ी बाइजत परीक्षा जैसा सबूत किया जाए, शांति नहीं सबूतों के अभाव में बड़ी बाइजत। मुझे कोई ऐसी कोई दीवार का पीछा आना, इट वाज नॉट अ शॉकिंग न्यूज़, दीवार का पीछा वाला प्रॉब्लम मत रखा, युवा का पीछे होना मुंती है ही नहीं, ये मर्डर का केस है, आप समझ रहे हैं। सो नाउ आई विल ब्रिंग एंड नाउ माय केस हैज बिकम मोर सॉलिड एक्चुअली, बिकॉज़ नाउ आई विल हैव टू गो एंड प्रेजेंट अगेन ऑल दोस एविडेंसेस दैट आई प्रेजेंटेड टू सीबीआई एंड द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट प्रेजेंटेड टू। इसके पहले भी आपकी तरफ से भी समस्या किया गया था, इसके पहले भी मर्डर को लेकर हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि अबैटमेंट तब मना किया, कब मना किया, अब वो पिछली वो पास्ट हो गया। अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में मैं जाऊंगी पूरे वही एविडेंसेस लेकर। आज का जो फैसला है उस पर आप क्या कहेंगे? आज का फैसला मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है, वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है, एक्वेट तो होना ही था। लेकिन सवाल ये है जो प्रोसिक्यूशन है, तो यहाँ पर राबिया खान जो कि अपनी पहली प्रतिक्रिया देख रही है, I will file harder and I will fight harder. So now you're going to file an application over the 302, hey, over the murder case? न्याय की क्या बात है इसमें? 306 abandonment to suicide तो कभी था ही नहीं, ये तो झूठा चार्ज लगाया हुआ था, तो उसके पर तो एक वही नहीं है। मैडम 10 साल कौन सी शॉकिंग बात? मैडम जरा पूरा, मैडम जरा पूरा अगर जांच करती कोई एविडेंस होते तो आज पनिशमेंट मिलती। यू से दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ रोड साइड साइड ला मैडम नॉट प्रेजेंटेड टुवर्ड्स द कोर्ट बाय एजेंसी नॉट प्रेजेंटेड मैम 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐसा फैसला।